अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर अक्सा, एंड टुडे वी विल डिस्कस एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। बुक के पेज नंबर 91 पे हमारे पास टॉपिक है एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास अलाउज अस टू व्यू स्मॉल और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्जर इमेज ऑन द रेटना दैट वुड बी पॉसिबल अदरवाइज। हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में कोई ऐसे शेप का होता है और इससे हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है क्लियरली देख सकते हैं, उनका बड़ा इमेज हमें नज़र आ रहा होता है। अक्सर लोग जिनको ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे होते तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ के देखते हैं तो इन्हें वो अल्फ़ाबेट्स लार्जर नज़र आ रहे होते हैं। और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये रेटना पे उन चीज़ों का लार्जर इमेज बनाता है जो कि अदर सिचुएशन में हमारे पास पॉसिबल नहीं होता अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ नहीं करते तो। इन अदर वर्ड्स, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइज द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी बढ़ाता है, ठीक है। द एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर एम थीटा इज़ द एंगुलर साइज थीटा प्राइम या थीटा बार ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द रेफरेंस एंगुलर साइज थीटा। अब जो हमारे पास एम थीटा होता है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय रेफरेंस एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास दो एंगुलर साइज़ का रेशो है, ठीक है। या हम कहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करने से जो हमारे पास इमेज बनता है उसे हम डिवाइड करते हैं एंगुलर साइज़ या एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम डिवाइड करते हैं एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बनता है विदाउट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, जिसे हम अपनी आई से ही देख रहे होते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं एम थीटा इक्वल्स टू थीटा बार डिवाइडेड बाय थीटा या थीटा प्राइम या थीटा डैश, आप जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। एज्यूम एन ऑब्जेक्ट विद हाइट एच ओ विदाउट अ मैग्नीफायर, द लार्जेस्ट एंगल थीटा दैट वी कैन अटेन एंड सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ नियर पॉइंट एन एज इन फिगर 12.32A। अब फिगर 12.23A में हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास एच ओ की हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एन डिस्टेंस पे रखा हुआ है और एन हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, हमने पढ़ा था नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रेंज इसका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड डिस्टेंस पे और जो हमारी आई को मैक्सिमम एंगल जिस पे ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वो थीटा है, ठीक है। वी कैन गेट अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट जस्ट इन साइड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस एज शोन इन फिगर 12.32B। अब अगर आप फोकल लेंथ के इन साइड एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, सामने आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है या फिर जो भी आपने मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आई, तो हमारे पास जो है हम लार्जर इमेज व्यू देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के फोकल पॉइंट के बीच में यहाँ पे प्लेस करें तो, ठीक है। ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कंसिडर किया है, जैसे कि आपको फिगर 12.32 में भी नज़र आ रहा है पार्ट बी में। इफ़ वी लुक थ्रू द लेंस एट द इमेज वी कैन सी द इनलार्ज अपराइट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब हम इस इमेज को इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इस आई से, यहाँ पे लेंस है तो जो हमारे पास इमेज नज़र आएगा इस ऑब्जेक्ट का वो इतना बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, अपराइट होगा और वर्चुअल इमेज हमें नज़र आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पेज 92 पे हम आते हैं। फिगर 12.32A शोज दैट द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट द मैग्नीफायर इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू। हम इस फिगर में देख सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल है। तो पार्ट ए में हम देख सकते हैं कि हमने टेंजेंट थीटा फाइंड करना है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है वो एच ओ डिवाइडेड बाय एन के बराबर है, ठीक है। पेज नंबर 92 पे आप इस इक्वेशन को देख भी सकते हैं। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इक्वल्स टू एच ओ डिवाइडेड बाय एन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। एज्यूमिंग दैट द आई इज नेक्स्ट टू अ मैग्नीफाइंग ग्लास द एंगुलर साइज एज सीन बाय द आईज
as in figure 12.32b is tangent theta dash equals to perpendicular divided by base equals to HO divided by DO. ठीक है, अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा है, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमने थीटा डैश का नाम से दिया है. तो इस केस में अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेंजेंट थीटा को हम इक्वल ले रहे हैं एच ओ डिवाइडेड बाय, और बेस इस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने डी ओ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने डी ओ का नाम दिया है. तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ गया. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 दो इक्वेशंस आ गए, वेयर एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब इसमें जो एफ है वो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी हम बोलते हैं. वी एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस सो द इमेज इज एट माइनस इन्फिनिटी. हम कहते हैं कि हमने फोकल लेंथ पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो जो इमेज हमारे पास बनता है वो नेगेटिव साइड इस साइड को इन्फिनिटी पे जाके कहीं बन रहा है. फॉर स्मॉल एंगल्स टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू थीटा. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड टेंजेंट थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा डैश. स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम कहें कि हमारे पास एंगल बहुत ही छोटा है तो इसके लिए हमारे पास टेंजेंट थीटा अप्रॉक्सीमेटली इस थीटा के इक्वल हो जाता है. ठीक है, thus by putting values from equation number 2 and 3 in equation number 1, the angular magnification of a magnifier can be written as. अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो पेज 91 पे आपको देखने को मिलेगा. इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमने कहा कि टेंजेंट थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है स्मॉल एंगल्स के लिए, और टेंजेंट थीटा बार जो है वो भी थीटा बार के ही इक्वल है. तो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू एच ओ बाई एन हुआ और थीटा डैश एच नॉट या एच ओ डिवाइडेड बाई डी ओ के इक्वल हुआ. ठीक है, तो हम थीटा और थीटा प्राइम की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा प्राइम की जगह हमने एच ओ डिवाइडेड बाई डी ओ को पुट किया, और डिवाइडेड बाई फिर थीटा की जगह हमने एच ओ डिवाइडेड बाई एन को पुट किया, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं एच ओ डिवाइडेड बाई डी ओ डिवाइडेड बाई एच ओ डिवाइडेड बाई एन. अब आप इसको मल्टीप्लाई करें एच ओ डिवाइडेड बाई डी ओ मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाई एच ओ. ठीक है, तो आपके पास एच ओ और एच ओ कैंसिल हो गया और एम थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास एन डिवाइडेड बाई डी ओ ही बच गई. ठीक है, और एम थीटा को हम क्या बोल रहे थे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन. ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए इक्वेशन आ गया. अकॉर्डिंग टू थिन लेंस इक्वेशन डी ओ इज रिलेटेड टू द इमेज डिस्टेंस डी आई एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस बाय. अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम थीटा इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई 1 ओवर डी ओ, और थिन लेंस इक्वेशन से हमें पता है कि 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर डी ओ प्लस 1 ओवर डी आई. अब हमें 1 ओवर डी ओ की वैल्यू चाहिए, तो हम 1 ओवर डी ओ को एक साइड पे रहने देते हैं, 1 ओवर डी आई को दूसरी जानब ले जाते हैं, तो हमारे पास 1 ओवर डी ओ इक्वल्स टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी आई. अब इस इक्वेशन में आपने 1 ओवर डी ओ को रिप्लेस करना है इसके राइट हैंड साइड 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी आई से. वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एम थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी आई इंटू या मल्टीप्लाई एन, इसके इक्वल आ गया. एंगुलर मैग्नीफिकेशन की ये वैल्यू है, सॉरी ये इक्वेशन है. टू स्पेशल केसेस ऑफ दिस रिजल्ट आर ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर द इमेज इज लोकेटेड एज क्लोज टू द आई एज पॉसिबल और एज फॉर एज पॉसिबल एज फार एज पॉसिबल. अब इस इक्वेशन के लिए हम दो केसेस को स्टडी करते हैं, या तो हम इमेज को जितना पॉसिबल है उतना करीब रख देते हैं, और या आई के सॉरी ठीक है कि हमारे पास जो इमेज है वो आई के जितने भी करीब बने या फिर जितना दूर पॉसिबल हो. ठीक है, जो इमेज है टू बी सीन क्लियरली द क्लोजेस्ट द इमेज कैन बी रिलेटिव टू द आई इज एट द नियर पॉइंट और डी आई इक्वल्स टू माइनस एन. द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस एंड इज वर्चुअल. अब हम कहते हैं कि हमारे पास जितना ही करीब इमेज बन रहा है आई के, जितना मैक्सिमम कितना करीब होगा एन डिस्टेंस के, हम डी आई को एन से रिप्लेस करते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन को हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये लेंस के लेफ्ट साइड पे है, और दूसरी बात ये है कि जो हमें इमेज नज़र आ रहा है वो वर्चुअल भी है. ठीक है, इन दिस इवेंट इक्वेशन 12.12 या इक्वेशन 12.12 बिकम्स. अब इस इक्वेशन को हमने नियर इमेज के लिए, नियरेस्ट इमेज के लिए जो माइनस एन डिस्टेंस पे है, इसके लिए हमने डी आई को रिप्लेस किया माइनस एन से. अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया. ठीक है,
नेक्स्ट पेज 93 पे हम देखते हैं तो हमने ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर n को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास n ओवर f प्लस n बाई n बचा, n n कैंसिल हो गए तो m थीटा इक्वल्स टू n बाई f प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन की एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए एक दूसरा इक्वेशन आ गया, अगर हमारे पास इमेज इतना पॉसिबल हो जितना करीब हो सकता है। ठीक है, द फार्देस्ट द इमेज कैन बी फ्रॉम द आई इज एट इन्फिनिटी, डी आई इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस ऑकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट लेंस के फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो जो हमारे पास इमेज बनता है वो कहीं दूर इन्फिनिटी में जाके बनता है, और यही हम कहते हैं कि फार्देस्ट इमेज यही पॉसिबल है जो हमारी आई से हो सकता है। ठीक है, तो जब इसको इसके लिए हम ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें डी आई को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे, व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी इक्वेशन 12.12 कैन बी रिटन एज एम थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले हमारे पास डी आई था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, अब हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख भी सकते हैं तो इसकी जगह हमने 0 को पुट कर दिया तो हमारे पास m थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर f माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो n अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही देगा, तो सिर्फ यहाँ पे n बचेगा m थीटा इक्वल्स टू n बाय f, और ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन की एक और वैल्यू आ गई अगर हमें इमेज जो है वो जितना फार्देस्ट है आई से जितना पॉसिबल हो उसके लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।